स्मार्टफोन में कॉलिंग के लिए सिम की जरूरत होती है और फिलहाल बाजार में दो तरह के सिम मौजूद हैं, एक है फिजिकल सिम और दूसरा है ई सिम। इन दोनों सिम के जरिए स्मार्टफोन को अलग अलग अनुभव मिलता है। देश में अधिकतर लोग फिजिकल सिम का ही इस्तेमाल करते हैं, वहीं ई सिम के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि इन दोनों सिम में क्या अंतर है और इन दोनों सिम के क्या फायदे और क्या नुकसान है। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल सिम के बारे में। अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है तो आप फिजिकल सिम के बारे में तो जरूर ही जानते होंगे। सिम का मतलब होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ये एक छोटा सा कार्ड होता है जिसमें काफी डेटा और मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी जैसी जानकारी होती है। अब फिजिकल सिम के फायदों के बारे में बात करें तो इसको आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। इस सिम को डिवाइस में इंस्टॉल करना भी आसान होता है। ये सिम हर तरह के डिवाइस में आसानी से भी सेट हो जाता है। साथ ही फिजिकल सिम को आसानी से निकाला जा सकता है और इसे किसी भी स्थान पर सुरक्षित तरीके से संभाल कर रखा जा सकता है। वहीं इसके नुकसान के बारे में बात करें तो फिजिकल सिम खराब भी हो सकता है और चोरी भी, और साथ ही इसके इस्तेमाल से डिवाइस में जगह गिरती है और डिवाइस का डिजाइन सीमित हो जाता है। अब बात करते हैं ई सिम के बारे में। ई सिम एक डिजिटल फॉर्म में होती है। इस सिम को सीधे हार्डवेयर में लगाया जाता है। चलिए अब इसके बारे में जानते हैं कि इसके क्या फायदे हैं। ई सिम होने पर प्लान को आसानी से बदला जा सकता है, ऐसे में नए सिम की जरूरत नहीं होती है। साथ ही ई सिम से डिवाइस में जगह भी बचती है और इसकी वजह से डिवाइस में अन्य फीचर्स का फायदा मिल सकता है। ई सिम होने पर इसे आसानी से एक्टिवेट और डीएक्टिवेट भी किया जा सकता है। साथ ही इसे किसी भी प्लान में कभी भी शिफ्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं ई सिम के नुकसान के बारे में। ये तो आप जानते ही होंगे कि फिलहाल ई सिम की पहुंच बहुत सीमित है, ये हर डिवाइस में सपोर्ट नहीं होती है। अगर फोन चोरी हो जाता है तो सिम के प्लान को आसानी से बदला जा सकता है, ऐसे में सुरक्षा एक बड़ी परेशानी होती है। और आखिर में ई सिम पूरी तरह से इंटरनेट पर निर्भर करती है, ऐसे में इसे सही ढंग से चलाने के लिए एक अच्छा खासा इंटरनेट कनेक्शन भी होना चाहिए। तो आपको इस जानकारी के आधार पर इन दोनों में से कौन सा सिम बेहतर लगा, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।